हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। तो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं आपके बॉडी के साथ में, और काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी ब्रेस्ट और निपल के साथ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, आप अपनी ब्रेस्ट और निपल केयर किस तरीके से कर सकते हैं। ये करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप अपनी ब्रेस्ट और निपल केयर नहीं करते हैं तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम आता है और आपकी डिलीवरी हो जाती है, उस टाइम तक फिर आपका ब्रेस्ट का शेप जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लटक चुके होते हैं, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, निपल में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी ब्रेस्ट और निपल का ध्यान रखें। अब वो आप किस तरीके से रख सकते हैं, क्या कारण होते हैं कि आपको वो केयर करनी ज़रूरी हो जाती है, ये इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के साथ में, और उतने ही चेंजेस होते हैं आपकी ब्रेस्ट और निपल के साथ में। क्या कारण होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ता है, तो आपकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि वो साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपके निपल्स में हल्की पेन भी रहने लग जाती है, आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हैवी आपको लगने लग जाते हैं। तो इस वजह से आपको केयर करनी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो केयर कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर आपकी प्रेगनेंसी के या तो इनिशियल मंथ्स में हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ लोग को बाद में होता हो, बट पूरे 9 महीने के टाइम पे, आफ्टर 3 मंथ्स, ये कभी भी हो सकता है आपके साथ में। कोलेस्ट्रॉल लीकेज, एक येलोइश मेल टाइप कुछ हार्ड लिक्विड होता है, वो आपकी ब्रेस्ट से निकलना स्टार्ट हो जाता है। और वो लिक्विड जब निकलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है, उसकी वजह से लीकेज रहती है, तो क्रैक्स वगैरह भी होने का डर हो जाता है। तो ये भी एक चेंज ब्रेस्ट के साथ में होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। नेक्स्ट है कि जो आपकी ब्रेस्ट के आसपास की वेन्स होती हैं, वो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गई हैं या बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दिखने लग गई हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो ब्लड की सप्लाई होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ब्रेस्ट में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से वेन्स जो है बहुत ज़्यादा डार्क आपको दिखते हैं और बहुत ज़्यादा विजिबल उस टाइम पर हो जाते हैं। फिर आप देखोगे कि निप्पल और निप्पल के आसपास का एरिया जो है वो भी थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये सबके साथ में होता है। तो ये भी एक चेंज ब्रेस्ट के साथ में होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और आप देखोगे कि निप्पल का साइज़ भी जो है वो भी थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डिलीवरी होगी, बेबी को ब्रेस्ट फीड आपको कराना होता है, तो प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पे ब्रेस्ट आपकी उस तरीके से तैयार होनी शुरू हो जाती है ताकि उसमें मिल्क सप्लाई हो सके और बेबी को आप ईजिली दूध पिला सकें। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी ब्रेस्ट के साथ में। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपनी ब्रेस्ट की केयर कर सकते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि आफ्टर डिलीवरी आपको प्रॉब्लम ना आए, आपकी शेप में, ब्रेस्ट की शेप में प्रॉब्लम ना आए, आपको क्रैक्स वगैरह का या इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका जो साइज़ है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होता रहेगा, तो आपको उस हिसाब से अपने लिए राइट ब्रा चूज़ करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कुछ लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे जो घर पे रहते हैं वो ब्रा पहनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत डिसकम्फर्ट उनको लगता है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तब भी हमेशा आपको ब्रा वियर करना है। रात को आप चाहें तो उतार सकते हैं, बट दिन के टाइम पे हमेशा आपको ब्रा वियर करना है। बस इतना आप कर सकते हो कि जैसे जैसे साइज़ आपका इंक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से आप अपने कम्फर्ट्स के हिसाब से ब्रा ले सकते हो। ब्रा का साइज़ आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा नहीं होनी चाहिए जिससे आपको डिसकम्फर्ट हो, या ब्रेस्ट आपके प्रेस होते रहे, निपल आपके प्रेस होते रहें, उससे आपको प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आएगा। और जब आप ब्रा चूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि जो अंडर वायर ब्रा होती है, जिसमें वायर्स लगे रहते हैं, वो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जो बिल्कुल सॉफ्ट पैडेड ब्रा होते हैं आपके साइज़ के हिसाब से, आपके कम्फर्ट के हिसाब से, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कोलेस्ट्रॉल लीकेज होता है, मतलब येलोइश जो मिल्क टाइप कुछ है ब्रेस्ट से निकलता रहता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपनी ब्रा चेंज करते रहो। दिन में एक बार तो ज़रूर चेंज करें, अगर बहुत ज़्यादा लीकेज आपको लग रहा है तो आप 2 बार भी ऐसा कर सकते हैं।
टाइम टू टाइम अपने ब्रेस्ट को वॉश करते रहें, क्योंकि वो जितना जो थिक सब्सटेंस है, जो जो थिक लिक्विड है, वो अगर ब्रेस्ट पे लगता रहेगा, निपल पे लगता रहेगा, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, आपको क्रैक्स होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि उसको टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहें, टाइम टू टाइम आप अपनी ब्रा चेंज करते रहें। और लीकेज फिर भी बहुत ज़्यादा है तो आप ब्रेस्ट पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेस्ट पैड जब आपके थोड़े से गीले हो जाते हैं तो उसको दोबारा से आप चेंज कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा देर तक लगा के नहीं रखने हैं, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन का एक कारण आपके साथ में बन जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, नहाने से पहले थोड़ी सी ब्रेस्ट की मसाज आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है, ताकि ड्राइनेस ना आए आपके ब्रेस्ट में और आपके निपल में। तो मसाज आपको ज़रूर करनी है। मसाज आप कोई भी अच्छा ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप जुजुब ऑयल ले सकते हो। बेसिकली जो भी ऑयल आपकी बॉडी को सूट होता हो, वो कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। तो एक बार नहाने से पहले आपके ब्रेस्ट की, अपने निपल की मसाज अच्छे से करें। और मसाज जब आप कर रहे हो तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है, या फिर सर्कुलेशन मोशन में आप कर सकते हो। नीचे की साइड पे मसाज जो है आपको नहीं करनी है। तो मसाज आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। फिर जिस टाइम पे आप नहा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा साबुन निपल पे लगाना ही है। निपल की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो साबुन आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप पानी से भी अगर निपल को वॉश कर देते हो तो उतना ही सफिशियंट है, क्योंकि साबुन में जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श रहते हैं। आपकी निपल की स्किन क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, तो साबुन की वजह से, उसके केमिकल्स की वजह से निपल में क्रैक्स हो सकते हैं, निपल में प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी कोलेस्ट्रॉल लीकेज भी आपको हो रहा है, तो उस केस में आपको साबुन वगैरह निपल पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर नहाने के बाद, जैसे मसाज आपने नहाने से पहले कर लिया, उसके बाद में आपने एक बाथ ले लिया, तो उसके बाद भी आपको ब्रेस्ट को या निपल्स को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। आपको अच्छे से मॉइस्चराइज उसको करना है। आप स्पेशली ब्रेस्ट के लिए और निपल के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, या नॉर्मल कोई मॉइस्चराइजर जो आप बॉडी पे यूज़ करते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली आफ्टर बाथ जो है आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है ब्रेस्ट को, ताकि किसी भी तरीके से उसमें ड्राइनेस ना आए। क्योंकि निपल्स में जैसे जैसे ड्राइनेस आ जाती है, वैसे वैसे निपल में क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पर निपल में और ब्रेस्ट पर ड्राइनेस आना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। इसीलिए भी ब्रेस्ट केयर के कुछ टिप्स हैं, और जो कि बहुत आसान हैं, और आपके आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी केयर ज़रूर करनी चाहिए। आप कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। जिस टाइम पे आप बाथ ले रहे हो, चाहे समर्स भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से बाथ नहीं लेना है। ज़रूरी है कि पानी हमेशा थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, उससे जो है आपके ब्रेस्ट और निपल थोड़े से अच्छे बने रहेंगे, थोड़े बेटर बने रहेंगे। तो ज़रूरी है कि नहाते टाइम आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। विंटर्स और समर के अकॉर्डिंग पानी हमेशा गुनगुना आपको यूज़ करना है जब भी आप नहा रहे हो। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रा आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि रेगुलरली अगर आप उसी तरीके से ब्रा पहने रखोगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लीकेज भी आपको हो रहा है, और ब्रा अगर आपकी वेट हो जाती है तो इस टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस, और इसकी वजह से निपल में क्रैक्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रा टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। क्रीम्स का मैंने आपको बता दिया, क्रीम्स आपको लगाते रहना है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। आप ब्रेस्ट में देखते रहें कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस जो है वुमेंस के साथ में होते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस आपको ऐसे लग रहे हैं जो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तो आप अपने रेगुलर विजिट पे डेफिनेटली वो चेक करवा सकते हो कि आपको ये ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं ब्रेस्ट में, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप नहीं केयर करोगे अपनी ब्रेस्ट की, तो वो आगे चल के, मतलब आफ्टर डिलीवरी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके आप अपनी ब्रेस्ट केयर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।